ये पड़ा हुआ एक मुखोटा ये क्या बना है? ये आफ्टर मेला देखो ऐसे काम चलता है, पूरी साफ सफाई। हवन की तो एक हड्डी नहीं मिलेगी आपको। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू राज तिवारी ब्लॉग। तो आपको लग रहा होगा कि आज अक्षता कीर्ति नहीं है, तो नहीं है, क्योंकि वो ना आज घूमने गए हुए। और मैंने ना जैसे आपने जो थंबनेल दिखाया कि क्लोजिंग जो हुई है अपना मेले की, मेला बहुत अच्छा हुआ है, बहुत ही बढ़िया ढंग से हुआ है। लोगों को सबको पता है कि बहुत बढ़िया मेला हुआ हमारे इधर दशहरा ग्राउंड में जलंधर कैंट में। लेकिन उसके बाद जो क्लोजिंग हुई थी ना, मैंने उसके कुछ शूट वगैरह बनाए थे, तो मैं कहा चलो आपको भी शेयर करते हैं कि आप भी देखिए कैसा कैसा वहाँ पर क्लोज हो रहा था और कैसे कैसे मतलब साफ सफाई चल रही है। तो चलो आपको पहले वो दिखाता हूँ। मैं भी पहुँच चुका हूँ दशहरा ग्राउंड मेले में, मेला यानी कि जो मेला हो चुका वहाँ पर। बहुत लोग दिखाते हैं ना आपको कि आज मेला चल रहा है, आज मेला चल रहा है, लेकिन मेले के बाद क्या कुछ होता है, कैसे वहाँ पे काम करते हैं, मतलब कि जैसे इसको क्लोजिंग जिसको बोलते हैं ना, और कहाँ कहाँ पे रावण जलाए, कहाँ पे कुंभकर्ण मेघना जलाए, वो भी आपको दिखाऊंगा कि बाद में क्या रह जाता है। ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, चलो आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे जलाया गया है रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को। ये कुछ ऐसे रह जाते हैं, लोग लेकर भी जाते हैं, बहुत लोग लेकर जाते हैं ना यहाँ से ऐसे। और ये देखिए सामने अभी चल रही है क्लोजिंग, ये रह गया मेला। आपको मेला तो बहुत लोगों ने दिखाया होगा, देखा है ना आपने मेला, लेकिन मेले के बाद देखिए ऐसे होता है। तो यहाँ पे मेघनाथ का था और यहाँ पे थे बीच में रावण, और देखिए रावण की तो एक हड्डी नहीं मिलेगी आपको। यहाँ से ले गए सब जने उठा के, रखते ना घर पे, आप सभी को मालूम है। और वहाँ पे है मेघनाथ, तो उसका बेटा रावण, वो था कुंभकर्ण, रावण और मेघनाथ। तो ये देख लो, ये है रावण का, बस यही ज़िंदगी है कि कहते हैं लास्ट में मिट्टी में मिल जाना इंसान ने। और देखिए यहाँ पे चल रही है पूरी की पूरी क्लोजिंग, देख रहे हो पूरी क्लोजिंग चल रही है, मेला ख़त्म हो गया, लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं। देखिए यहीं पे सामने मेला, पूरी भीड़, यहीं पे सब कुछ चल रहा था, लेकिन देखो अब धीरे धीरे ये चल रही है क्लोजिंग। और कल जो मेला हुआ ना यहाँ पे, बहुत तगड़ा मेला हुआ है, बहुत लोग आए दूर दूर से देख कर गए, बहुत लोगों ने बोला पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी यहाँ पे। और देखो ये मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैंने अपनी तैयारी दिखाई है मेले में, और आज देख लो ये क्लोजिंग चल रही है, पूरी क्लोजिंग चल रही है ए टू जेड। मेहनत कर रहे हैं लोग और क्लोज करके सारा सामान जा रहा है। तो ये है जी आफ्टर, ऐसा रह जाता है मेला। देखा आपने कि मेले के बाद क्या होता है, अभी थोड़ा नज़दीक से भी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे काम चल रहा है। और कुछ एक मुखोटा पड़ा है किसका पता नहीं, और यहाँ पे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा हुआ है, लोगों ने वीडियो डाली है, आप देखना उनकी वीडियो, मैं नहीं डाल पाया क्योंकि मैं क्या था कहीं और वीडियो बनाने के लिए, वो देख सकते हैं आप, बहुत अच्छी वीडियो बनी है होशियारपुर की, होशियारपुर दशहरा अच्छा बना है। तो गाइस देखो ये पड़ा हुआ है एक मुखोटा ये क्या बना है ये पता नहीं अच्छा लग रहा है। बाकी आप देख लो, ये देखो कैसे काम कर रहे हैं सब जने, कुर्सियाँ रख रहे हैं, वो सामने मेन गेट था, ये शायद बहुत कम लोग ही दिखाते हैं ऐसा क्लोजिंग, तो मैंने कहा चलो कुछ डिफरेंट दिखाते हैं आपको कि मेले के बाद क्या कुछ होता है। ये देखो कैसे कैसे कुर्सी हैं, कैसे सारा सामान पड़ा हुआ है। मैंने सुना है बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ पर, ये जो सामने है ना, सामने बहुत तगड़ा पंडाल था, यहाँ पे बहुत मतलब अच्छे अच्छे जैसे वीआईपी लोग भी आए थे, उन सब के लिए अच्छा खासा प्रबंध था यहाँ पे, और बहुत बढ़िया हुआ है प्रोग्राम। लेकिन आफ्टर प्रोग्राम के देख लो ये हाल है, सब कुछ क्लोज़ हो चुका है, लोग अपने अपने घरों को जा चुके हैं, और हम वेट करेंगे नेक्स्ट दशहरे का। और नेक्स्ट दशहरे में मेरी कोशिश होगी कि मैं यहाँ का ब्लॉग बनाऊँ। तो बस आज का बस छोटा सा इंट्रो देना था आपको कि आफ्टर दशहरा हमारे जलंधर कैंट की ग्राउंड का क्या हाल है, देख लो कुछ ऐसा है। तो बस यही दिखाना था आपको, तो चलो निकलते घर के लिए। तो गई ये बच्चा पता नहीं क्या चुन रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो ये क्या करेगा, इसका क्या करोगे, इसका क्या करोगे हैं, क्या बनाने का हैं, पता नहीं क्या बनाएगा, इसको उठा भी रहा है। अच्छा मंगवा रहे हैं वहाँ पे जलाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, क्या रावण बनाओगे
तो गाइस ऐसे छोटे छोटे बच्चे आते हैं बाद में कुछ ना कुछ चीज़ें उठाने के लिए। तो गाइस आफ्टर मेला देखो ऐसे काम चलता है, पूरी साफ सफाई। अभी यहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगेगा, हमारे जितने भी सफाई सेवक है वो बेचारे काम करेंगे, और ये जितना भी आप देख रहे हो ना कचरा वचरा ये सब क्लीन हो जाएगा एकदम, शाम तक हो जाएगा ये। और बाकी आपने देख ही लिया सामने का पंडाल कितना अच्छा लग रहा है जो क्लोज हो चुका है। तो गाइस देख लो यहीं पे सारे लगे हुए थे दुकानें दुकूने, अब कुछ ऐसी हालत है, कुछ दुकानें क्लोज हैं। तो ये देखिए यहाँ की दुकानें हैं, कुछ रह गए हैं कुछ जा रहे हैं। ये भी गेट है, ये यहाँ का मेन चौक, और ये गेट जहाँ पे इतना अच्छा सजावट थी, अभी ये देखो धीरे धीरे सब क्लोज हो गया। साफ सफाई हो रही है घर की, पूरा जो हमारा घर है कैंट वो साफ़ हो रहा है। और ये देखो ये लगा हुआ है पंडाल, और यहाँ पे इसको साथ साथ उतारा जा रहा है। तो ऐसे किया जाता है हमारे कैंट को फटाफट साफ, और जिसमें सबसे ज़्यादा योगदान हमारे सफाई कर्मचारियों का है, तो सल्यूट है इन सभी को। देख लो यहाँ पे हमारा ओला बाबा, ओलू क्या हो गया, ये हमारा ओलू बाबा। तो गाइज आई होप कि आपको ये जो कुछ क्लिप्स वगैरह है ना वो अच्छे लगे होंगे, क्योंकि मेरे को ना लगा कि चलो आफ्टर क्लोजिंग का भी एक ब्लॉग बना देते हैं, तो करके बनाया था। तो आई होप अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देखो तो सब्सक्राइब कर देना, और बने रहिए हमारे चैनल पे, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया ब्लॉग आते रहेंगे। फिलहाल आपको पता ही आज अक्षर की नहीं है, तो बाय सर मैं ही बोलूँगा, इसलिए बाय बाय गाइज।